दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 2 में मूविंग एवरेज मेथड करेंगे। ये आपको यूनिट 3 में आएगा, इसकी चॉइस में लिस्ट स्क्वायर भी रहेगा। मूविंग एवरेज में दो टाइप के मेथड है, एक इवन नंबर रहेगा, एक ऑड नंबर रहेगा। हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये ऑड नंबर का क्वेश्चन है। इसको पहचानिए कैसा। मूविंग एवरेज के साइड में एक नंबर देंगे आपको, जैसे कि 5 है, 5 एक ऑड नंबर है। अगर 4 दिया तो इवन नंबर रहेगा। फिलहाल तो हमारे को 5 बोल रहा हूँ, 5 मूविंग एवरेज। एवरेज की खासियत क्या रहती है? एवरेज की खासियत रहती कि टोटल को नंबर ऑफ ईयर्स या फिर नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले टोटल लेना पड़ता। टोटल को है तो हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स से या फिर नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग इधर पे एक टेबल बनाए कैलकुलेशन ऑफ 5 मूविंग एवरेज के नाम से। जो वैल्यूज दिया ईयर इधर पे लिख दिए, उसके बाद जो सेल्स की वैल्यू है सेल्स की वैल्यू यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद टोटल लेने के लिए बोला था हमें 5 है तो 5 मूविंग टोटल, 3 रहा तो 3, फिर 5 मूविंग एवरेज। चलो अब सबसे पहले क्या करना, टोटल लिखना। 5 बोल दो, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों का टोटल लिखना है। लेकिन लिखेंगे कहाँ? सवाल यह है कि हमारे पास टोटल 5 नंबर है यहाँ तक, तो इन बिटवीन हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, इन बिटवीन 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन सेंटर में लिखना बेस्ट रहेगा, तो इन सबका सेंटर है 5, तो पूरी वैल्यूज यहाँ लिखेंगे। तो ये ऊपर के दो छूट गए, जितने ऊपर के नंबर छूटेंगे उतने नीचे के भी नंबर छूटते, ठीक है। 5 का है ना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 सेंटर वैल्यू 5 है, ऊपर के दो छूटे हैं तो नीचे के भी दो छूटते हैं। अब सीधा सीधा टोटलिंग कर लेते चलेंगे, 2 + 3 + 5 + 1 + 2 टोटल 13। अब 1 by 1 एक छोड़ते जाना, एक पिक करते जाना, उसके बाद 3, 5, 1, 2, 4, 15। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 तक हो गया ना, 5 से 5, 1, 2, 4, 3, ठीक है, 6, 8, 12, 15, सेम। नेक्स्ट 5 तक हो गया ना, फिर 1 से 1, 2, 4, 3, 2, 3, 7, 10, 12। तो ये था टोटल। अब उसके बाद इसका एवरेज निकालना। एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना। कितने साल का कर रहे हैं हम लोग? 5 का कर रहे हैं, तो हर एक आंसर को 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहले है 13 डिवाइडेड बाय 5, 2.6। 15 डिवाइडेड बाय 5, 3, 3। 12 डिवाइडेड बाय 5, 2.4। ये है मूविंग एवरेज। सबसे पहले ईयर लिखना, फिर है तो वैल्यूज लिख देना। 5 बोला तो 5 का टोटल लेना, 3 बोला तो 3 का टोटल। 3 का अगर रहेगा तो 1, 2, 3 रहेगा, ठीक है, ये 3 रहेंगे। तो इसका सेंटर 3-1 था, तो 3 का ने 2, 3, 5 लिखना। फिर तीनों को प्लस करके डाल देना, फिर नंबर ऑफ आइटम्स 3 रहता, 3 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेना, मूविंग एवरेज। 5 का मूविंग दिया तो इस तरह करना, 3 का दिया तो वैसा करना। चलिए अब हम 5 का तो कर लिए, अब 4 का करेंगे। 4 का रहा तो किस तरह से करेंगे अब ये देखिए। चलिए दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन बनाया है 4 के लिए, कैलकुलेट 4 मूविंग एवरेज। इसके अंदर भी कुछ ईयर्स की वैल्यूज है और कुछ सेल्स से है। अब सवाल ये है कि 4 का सेंटर कैसा मिलेगा हमारे को। अब जैसे कि मान लो, अब टेबल में तो मैं थोड़ी देर से ड्राफ्ट करके बताऊंगा मैं,
इसके हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से देखो, 4 ईयर बोल दो, 1 2 3 4। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सेंटर में टोटल कर रहे थे, ठीक है, कुछ वैल्यूज कुछ ईयर्स को छोड़ दिए थे। अब इसका सेंटर देखा जाए तो 3 और 2 है, 3 में लिखना या 2 में लिखना, दोनों में कन्फ्यूजन है। तो वैसे इस टाइम पे अगर 4 ईयर का पूछा तो इन दोनों के बीच में लिखना, यानी बीच में एक्स्ट्रा लाइन बनाना पड़ेगा आपको। लिखने के लिए दो तरीके हैं इसके, या तो बीच में एक्स्ट्रा लाइन बनाओ, या फिर है तो 2 या 3 के पास से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, लेकिन बीच में लाइन बना के लिखे तो अच्छा रहता। चलो तो हम लोग इधर से बीच से बनाने वाले, तो ना तो हम 3 में लिख रहे हैं और ना ही हम 2 में लिख रहे हैं, जो भी रहेगा बीच में से एक लाइन बना के लिखेंगे। इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा लाइंस बनाई है टेबल के अंदर। तो सबसे पहले ये तो 2 छूट रहे हैं, 2000 2001, क्योंकि 2 छूटने वाले इसलिए एज इट इज लिख दिया। फिर उसके बाद 2 के बाद ये बीच में लाइन छोड़ दे रहे हैं हम लोग, तो उसके बाद आएगा 2। अब एक एक लाइन छोड़ते हुए लिखना, 3 4 5, आखिरी के 2 आ रहे हैं तो आखिरी के 2 लिख देना, 6 7, जिस तरह ऊपर थे उसी तरह नीचे भी, ठीक है। अब सेल्स की वैल्यू, 4 3 2 5 1 2 3 4। चलो अब 5 ईयर्स, 4 ईयर्स का टोटल कर लेते चलेंगे। टोटल कहाँ लिखने के लिए बताए थे हम, 1 2 3 4 का सेंटर ये है, यहां पर लिखेंगे अब 4 ईयर टोटल, 4 ईयर एवरेज। चलो तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, 4 साल के हिसाब से 14। अब एक एक छोड़ते जाओ, नीचे पिक करते जाओ, 1 2 3 4, ये रहा सेंटर, 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 11। अब नेक्स्ट, 2 5 1 2 10। अब उसके बाद नेक्स्ट कहाँ तक हो गए, 2 तक हो गया, 5 1 2 3, 5 1 2 3 11। अब नेक्स्ट, 1 2 3 4 10। अब उसके बाद 2 3 4, 3 आ रहे छोड़ देना, इसलिए इधर पे 2 ब्लैंक, इधर पे भी 2 ब्लैंक। अब एवरेज का रूल क्या है, टोटल को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना। अब टोटल है 14 डिवाइडेड बाई कितना, 4 ईयर है ना, 4 से डिवाइड, इसका 3.5, 11 डिवाइडेड बाई 4 इसका 2.75, फिर उसके बाद 10 डिवाइडेड बाई 4 2.5, 2.75, 2.5। तो ये था 4 ईयर टोटल, 4 ईयर एवरेज। अब सोचने वाली बात ये है कि इधर पे कुछ 2 बॉक्सेस एक्स्ट्रा बनाया है मैंने, क्यों? कभी भी इवन नंबर का क्वेश्चन रहा, चाहे कौन सा भी इवेंट रहने दो, 4 रहने दो, 6 रहने दो, 8 रहने दो, कंपलसरी 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना। तो 2 ईयर टोटल, 2 ईयर एवरेज, 2 साल का टोटल, 2 साल का एवरेज, लेकिन टोटल किसका, आंसर्स का। अब इधर पे देखा है तो 3.5 प्लस 2.75 है, इन दोनों का टोटल सेंटर ये है, इधर पे लिखेंगे 3.5 प्लस 2.75, 3.5 प्लस 2.75, 6.25। अब नेक्स्ट, 2.75 प्लस 2.5, 5.25। अब नेक्स्ट, 2.5 प्लस 2.75, 5.25। अब नेक्स्ट,
2.75 + 2.5 5.25। अब इसके आंसर्स को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 साल का है ना ये, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मूविंग एवरेज हो जाएगा 3.125 डिवाइडेड बाय 2, 2.625, 2.625, 2.625। अगर 4 ईयर का दिया तो इस तरह से करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, 4 ईयर इवन नंबर का क्वेश्चन होता, सबसे पहले ईयर लिखना। ईयर लिखते वक्त ये देख लेना 4 ईयर है तो ऊपर 2 लिखते हुए, ऊपर 2 लिखते हुए गैप बनाते हुए चलना हर एक लाइन को, 2 ईयर्स लिख देना, फिर उसके बाद गैप, फिर ईयर गैप, ईयर गैप, ईयर गैप। कब तक करना? जब तक कि आखिरी के 2 साल तक नहीं आएगा। अब आखिरी के 2 साल आ गए तो गैप बनाने की जरूरत नहीं है, 6-7 पे लिख दिए। या फिर अगर कन्फ्यूजन ही नहीं होना है तो हर किसी को ईयर गैप, ईयर गैप, ईयर गैप करके भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर उतना भी अगर कन्फ्यूजन नहीं होना है तो गैप बनाने की भी जरूरत नहीं है, या तो 3 2001 या 2002 का नहीं भी लिख सकते, लेकिन इवन नंबर में 2 तो कंपलसरी करना ही करना है। तो फिलहाल छोड़ दो, तो लिख दिए हम लोग। लिखने के बाद ये सेंटर आया था, 4 नंबरों का टोटल लिखें और 4 से डिवाइड करें, फिर एक छोड़ते जाना, फिर नेक्स्ट 4, 3 2 5 1 टोटल लिए, 4 से डिवाइड करें। 2 ईयर्स का सिस्टम क्या है? आंसरों को प्लस करना, इतनी वैल्यू आती, फिर बाद में वही आंसर को डिवाइड 2 कर देना। तो ये था 4 ईयर मूविंग एवरेज।